आम्याओं ये दुला ना स्नेहा गोयल। कोरियन थोड़ी बहुत ही आती है मुझे, आती ही नहीं है ये समझ लो, ये कुछ वर्ड सीखे मैंने। ओके तो ये वीडियो होने वाली है पूरे BTS के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी स्नेहा गोयल। और ये वीडियो BTS वी के ऊपर होने वाली है। ओके तो BTS वी को सब पसंद करते हैं, और आपको पता ही है कि वी जो है उसका वो स्टेज नेम है, और जो वी का रियल नेम है वो है किम तायन। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी वी के बारे में, जो कि आप सब लोग जानना चाहते हैं। सबको केपॉप बहुत पसंद आ रहा है इंडिया में, और पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सब लोग पागल से हैं वी के लिए, BTS के कॉन्सर्ट्स के लिए। ओके तो जो वी है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी, जैसे कि उसकी इनकम कितनी है, वो कहाँ रहता है, उसने BTS क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, और उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मुझे पता है आप सब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में ये वाला वीडियो जो है बहुत रॉकिंग होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके तो इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि BTS के वी ने BTS को कैसे ज्वाइन किया। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, BTS का जो वी है वो कभी भी ऑडिशन नहीं देना चाहता था, ना ही वो K-pop आइडल बनना चाहता था, लेकिन उसने इसको ज्वाइन किया क्योंकि वो सिर्फ अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहता था। और ऑडिशन में जो वी था वो पास हो गया, उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, उसके बाद उसने सेकंड ऑडिशन दिया, और आज आप देख ही सकते हैं कि वी कितना पॉपुलर है। लेकिन जो उसका फ्रेंड था वो फेल हो गया था ऑडिशन में। ओके लेकिन जो वी है वो काफ़ी पॉपुलर है और आप सबको काफ़ी अच्छा लगता है, सो ये अच्छा ही था कि वो ऑडिशन में पास हो गया। सेकेंडली वी को जो है वो कॉफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन उसको हॉट कोकोआ बहुत पसंद है, और वो पिकीएस्ट ईटर्स भी है, जबकि BTS के ऑल मेंबर्स पिकीएस्ट ईटर नहीं है। पिकीएस्ट ईटर का मीनिंग है कि मतलब जो भी फूड बना होता है उसको उसके डिटेल्स के बारे में भी जानना होता है, और वी को स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, रिसेंटली उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, उसको गर्ल्स के बारे में क्या पसंद है, मतलब उसको ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो, डल भी सी चलेगी, लेकिन वो पैसे सेव करती हो, और ऐसी एक लड़की चाहिए उसको जो उसको ज़्यादा पैसे स्पेंड करने से रोके। तो अगर आपको BTS को पटाना है तो आपको ये ज़रूर सीखना होगा कि पैसे कैसे बचाते हैं और उसको कैसे रोके पैसे ज़्यादा स्पेंड करने से। ओके ओके सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि वी की कितनी इनकम है। तो उसकी पर मंथ इनकम अगर हम देखें तो वो है इंडियन रुपीज़ में 60 लाख रुपीज़, और उसके साथ साथ उसको एक एनुअल इनकम भी मिलती है 7 करोड़ रुपीज़ की। सो आप देख सकते हैं कि वी बहुत रिच है। ओके नाउ क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज ही लिव इन कोरिया। ओके तो वो कोरिया की ग्नैंडम डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जहाँ पे वो एक अपार्टमेंट में रहता है जिस अपार्टमेंट का नाम है अपेल्बम डिस्ट्रिक्ट। और उसकी जब उसने ख़रीदा था जब उसकी वर्थ थी 4.55 मिलियन, और उसने सब कैश में ही किया था, और उसका ये पहला घर था जो उसने ख़रीदा था। और उसको लड़कियों के बारे में भी यही चीज़ पसंद है कि जो लड़की है वो पहले अपने खुद की कार लेने से पहले एक घर ले। ओके तो अब मैं उस घर का फुटेज आपको दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है। और ये किचन की बाद में आती है एक और छोटी किचन, मतलब कि बड़ी किचन के बाद में एक मिनी किचन।
आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ न्यू लगा हो वीडियो में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, अगर आप BTS को पसंद करते हो तो कमेंट में एक पर्पल हार्ट ज़रूर पिन करना। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, सलांग गयो।